हेलो, तो हम आज एलएम क्लास की तरफ से आए हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आज देखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। जिस प्राइस पर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वो उसका कहलाता है क्रय मूल्य। इसको कहते हैं इंग्लिश में करंट प्राइस। और जिस प्राइस पर आप उसको बेच देते हैं वो कहलाता है आपका विक्रय मूल्य, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस। तो अब देखते हैं कि लाभ क्या होता है। जिस प्राइस पर आपने उसको खरीदा है अगर वो कम है बेचने वाले प्राइस से, तो आपको परफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि आप निकालेंगे एसपी माइनस सीपी। और हानि कब होगी, जब आपका बेचने वाला मूल्य कम होगा सीपी से, तो आपको वो यहाँ पर हानि होगी, यानी कि इसका मतलब हो गया सीपी माइनस एसपी, इससे निकालते हैं हम हानि। तो आइए देखते हैं, हम एक सवाल लेके देखते हैं कि आगे कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, वो है कि किसी वस्तु को 638 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य यानी कि हमसे सीपी पूछ रहा है। तो आइए देखते कैसे करते हैं उसको। तो देखिए, हमारा जो सीपी होता है वो पूरा सीपी होता है 100% के। तो हमारा 10% लाभ हमें कब मिला है, जब हमने 638 में बेचा है। तो 638 में 10% लाभ पर बेचा था, और जो ओरिजिनल सीपी होगा उसका 100%, तो ये हो गया 638 में 110%। तो हमें निकालना है 100%। तो इसके अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 638 × 100, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। इसको कैंसिल करेंगे, इसको करेंगे 5 और 8, तो ये हो जाएगा 58 रुपीज। ये आपका क्रय मूल्य हो गया है, जो हमें सीपी निकालना था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय दें। धन्यवाद।